हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इन्फिनिक्स GT 10 Pro में फ्लैशलाइट सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। फ्लैशलाइट सेटिंग को इनेबल करने के लिए आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग आना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको स्पेशल फंक्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक्शन एंड जेस्चर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज इंटरफेस होगा। यहाँ पे आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा फ्लैश फॉर कॉल्स का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा फ्लैश लाइट सेटिंग। अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे तो फ्रेंड्स, आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी तो फ्रेंड्स आपके फोन की फ्लैश लाइट जलेगी, अगर आप इस सेटिंग को अनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को अनेबल करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को अनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को अनेबल करने के बाद आपके फोन पे कोई भी कॉल आएगी तो फ्रेंड्स आपके फोन की फ्लैश लाइट जलेगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फ्लैश लाइट सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं। मैंने आपको उसकी पूरी प्रॉपर सेटिंग बता दी और मैंने आपको सेटिंग को चेक करके और सेट करके भी दिखा दिया। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इन्फिनिक्स GT 10 Pro में फ्लैश लाइट सेटिंग को अनेबल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।